दोस्तों आज हम इस वक्त मौजूद हैं गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन पे और आप सामने बोर्ड भी देख सकते हैं गोलड़ा शरीफ जंक्शन का। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और ये गोलड़ा शरीफ से चंद ही फासले पे मौजूद गोलड़ा रेलवे स्टेशन है और ये आपको सामने इस्लामाबाद की मार्केला हाइट्स जो मार्केला हिल्स हैं वो नज़र आ रही हैं और ये बेसिकली जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि 1881 में कायम किया गया था। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम भी है जिसमें रेलवे से मुंसलिक काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं, बहुत पुरानी चीज़ें भी मौजूद हैं इसमें। इस म्यूज़ियम की जो एंट्री फ़ी है वो पाकिस्तानी नेशनल पर्सन्स के लिए 50 रुपीज़ है, फॉरनर्स के लिए 400 रुपीज़ है और अगर कोई वेडिंग शूट यहाँ पे करना चाहता है या फ़ोटो शूट करना चाहता है ऐसा तो उनके लिए 3000 रुपीज़ है। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं और इनकी कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस केयर की गई है। ये जो साइड आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये रावलपिंडी जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन है वहाँ से आ रही है और यहाँ से होते हुए ये हज़ारा की तरफ जा रही है और कोहाट वाली साइड की तरफ जो ट्रैक है ये कंटिन्यूसली वहाँ पर जाता है। मैंने वैसे एक जगह पढ़ा है कि ये 1881 में शुरू किया गया था रेलवे स्टेशन और ये बेसिकली कुछ ट्रैक्स इस पे यहाँ पे हैं। इस साइड पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे दो ट्रैक्स हैं, एक ये वाला ट्रैक है सामने वाला और एक ये वाला ट्रैक है और बाकी सारे ट्रैक्स उस साइड पे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं बाकी सारे ट्रैक्स उस साइड पे हैं। अच्छा, मज़ीद मैं आपको इसी साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए आगे चलता हूँ। ये बेसिकली इस साइड पे अंदर म्यूज़ियम है और इसको फिलहाल लॉक लगा हुआ है, बंद है, आज संडे का दिन है और इस वजह से ये लॉक्ड है। ये साइड से भी फिलहाल लॉक्ड है लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिखाने की कि ये अंदर म्यूज़ियम है इस तरह से। आइए आपको दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ। इस साइड पे टिकट काउंटर है और इनके जो ऑफिसेस होते हैं वो बने हुए हैं। सबसे पहले आपको बाहर से बिल्डिंग दिखाता चलता हूँ, बहुत पुरानी बिल्डिंग है जी। एग्जैक्टली ये आपको सामने मैं दिखा सकता हूँ क्लियरली, ये इसकी डेट लिखी हुई है यहाँ पे, गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन 1881, 1881 के अंदर ये बना था और ये इनके ऑफिस हैं सारे, दफ्तर, स्टेशन मास्टर और ये इनका टिकट काउंटर है, टिकट घर, बाकी डिटेल्स इस पे यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये स्टेशन से, इस रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें जाती हैं हवेलियाँ और हज़ारा एक्सप्रेस है, कोहाट है और मेहर एक्सप्रेस है, सफारी है, हवेलियाँ हवेलियाँ कोहाट अटक खुर्द और जो यहाँ से होकर नीचे वाली साइड पे जाती हैं जैसे कि रावलपिंडी है, कराची है, मुल्तान है, इस तरह से। अभी कुछ देर पहले यहाँ से ट्रेन होकर चली गई है जिस वजह से ये टिकट काउंटर फिलहाल बंद है जो कि ट्रेन के आने से तकरीबन एक घंटा पहले खुलता है। ये इस तरह से इसकी बिल्डिंग है कम्प्लीटली। ये सामने आपको वीआईपी लाउंज नज़र आ रहा है, फिलहाल ये भी बंद है अभी क्योंकि ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, अभी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो काफ़ी देर बाद आएगी। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे मंजर है। पुराने तर्ज के आर्किटेक्चर के अंदर ये स्टेशन बनाया गया था। सामने
सामने कुछ वर्किंग की जा रही है। ये आप सामने देख सकते हैं वाटर टैंक भी पुराने तर्ज का लगा हुआ, 1981 का ही शायद अभी तक नस्ब किया गया है। सामने एक बहुत प्यारी क्लॉक लगी हुई है पुराने तर्ज की। जी तो नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई है। आप सामने देख सकते हैं कैंप बेल जॉनस्टोन, लंदन, 1872 कंस्ट्रक्टर्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत अगर नहीं हूँ तो मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा इस तरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूज़ियम अभी बंद है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 1872 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी। लंदन की कंपनी है कैंपबेल जॉनस्टोन, वल्ला आलम ये कंपनी का नाम है, या जिस पर्सन ने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी इंजीनियर जो है उनका नाम है। और यही इसी तरह का एक बैज या प्लेट कह सकते हैं, यहाँ सामने भी लगी है 1872। और ये भी एक छोटा सा म्यूजियम है, एक म्यूजियम मैंने आपको पहले दिखाया, एक छोटा सा म्यूजियम ये है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। फिलहाल ये भी बंद है यहाँ पे। और ये एक छोटी सी ट्रेन का एक मॉडल, जो इंजन का मॉडल है वो लगाया गया है यहाँ पे। और सामने गोलड़ा शरीफ जंक्शन, टैक्सला, हरिपुर, हवेलियाँ, अटक और नौशेरा, और नौशेरा पेशावर, ठीक है। इसका बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत प्यारा सा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन के ऊपर सबसे पुरानी ट्रेन जो यहाँ पर पाकिस्तान में चलाई गई थी उसका एक मॉडल नस्ब किया गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस ट्रेन का आई थिंक सो ये मॉडल है GS64, और ये स्टीम इंजन है बेसिकली, जो कि हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा है कि पहला जो इंजन चला गया था वो स्टीम इंजन था, और ये उसी का मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और मैं तो बेसिकली ये लाइव देख रहा हूँ तो मुझे एक अलग फील आ रही है। आप भी यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली विजिट करें इसको, और इस जगह को खुद अपनी आंखों से देखें, तो जो फील है वो आप मतलब जो यहाँ पे एक जो इस म्यूजियम को बनाने का जो रीज़न है वो आप फील कर सकेंगे, जो रियल फील है वो आपको यहाँ पर आकर लिटरली आ सकती है। और ये इंस्पेक्शन कार है, सबसे फ्रंट पे इन्होंने इंजन लगाया, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन कार है, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट क्लास बोगी है या बॉक्स है एज लाइक जिसमें हम कह सकते हैं कि कायदे आज़म या बड़ी बड़ी शख्सियात ने ट्रेवल किया है, ये वो है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल वैन है इसमें, ये पोस्टल वैन है।
अच्छा मैं एक बड़ी मजे की चीज देख रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी यहाँ पे खिड़कियां हैं वो लकड़ी से बनाई गई हैं। आजकल तो जो खिड़कियां हैं वो शीशे के इस्तेमाल से बनती हैं और उसके अलावा एल्युमिनियम की हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बॉक्सेस हैं, बहुत पुरानी बोगियां हैं, तो इसमें जो खिड़कियां हैं वो लकड़ी से बनाई गई हैं और लकड़ी वाली खिड़कियां लगाई गई हैं इसमें, तो ये मेरे लिए काफ़ी यूनिक चीज़ है और ऑब्वियसली आपके लिए भी यूनिक चीज़ है। ये आई थिंक सो मालगाड़ी है जिसमें सामान वगैरह लोड करके ले जाया जाता था, और उसके बाद ये एक और इंस्पेक्शन कार है जी। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर इसके अंदर शीशा नजर आ रहा है और साथ में ये जिस तरह लकड़ी का ही पूरा एक दरवाजा सा है, इस तरह से भी नजर आ रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि काफी एक पुराना मॉडल है। उसके बाद ये हमारे सामने इकोनॉमी क्लास का एक बॉक्स है और ये एक स्लीपर क्लास का बॉक्स है, स्लीपर क्लास है ये, और इससे ऑनवर्ड ये भी एक पुराना मॉडल है जो कि घोड़े ट्रैवलिंग के लिए, मतलब घोड़े हॉर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है, टू कैरी टू हॉर्सेस और फोर पोनीज। तो इसको हम कह सकते हैं कि मवेशी वाली बोगी जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्रेट यार, आई एम टू मच इम्प्रेस्ड टू सी दिस बिल्डर्स 1931, दैट्स अमेजिंग। और ये एक बैक साइड पे एक और स्टीम इंजन लगा हुआ है और बहुत ही प्यारा है, ये भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये भी डेफिनेटली मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा इंतज़ामिया का बंदा मौजूद नहीं है, और बाय लॉ हमें इन चीज़ों को 4 the safety purpose दूर से ही इस्तेमाल करना चाहिए, दूर से ही देखना चाहिए ताकि ये सिक्योर रहें और काफ़ी देर तक चलती रहें ताकि ख़राब ना हो। तो अगर यहाँ पे इंतजामिया का कोई ना कोई पर्सन मेरे साथ होता तो डेफिनेटली मैं आपको अंदर से भी विजिट करवा सकता था। स्टीम इंजन, ओल्ड इंजन, अब जो इंजन हैं वो तो डेफिनेटली डीजल पर चलते हैं। पाकिस्तान में अभी भी डीजल इंजन चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इंजन चल रहे हैं वो तो इलेक्ट्रिक हैं, और काफी सारे जो इंजन हैं वो किसी और मैकेनिज्म पे वर्कआउट करते हैं। ये एक और पुरानी बोगी खड़ी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, ये क्या है आई डोंट नो, इसकी डिटेल्स कहाँ पर लिखी हुई हैं। सेंट्रल वर्कशॉप, इसकी डिटेल्स यहाँ पर है, सच कहीं पर भी नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ट्रैवलिंग वाली कोई अच्छी क्लास की बोगी लग रही है मुझे, पुराने मॉडल की। जी तो जनाब ये है गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन, और आइए मुझे दूसरी साइड पे कुछ और मजीद चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको चल के वो दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने आपको एक पुराना स्टीम इंजन दिखाया है, और ये बनिस्बतन एक छोटा स्टीम इंजन है, और जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ ये बनिस्बतन एक बड़ा स्टीम इंजन है। इसका साइज, इसका हजम, इसके टायर्स, इसकी बॉडी, सब बनिस्बतन जो पिछला वाला मैंने आपको इंजन दिखाया है उससे काफी हद तक बड़ा है।
आप देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं क्लियरली, इसके टायर्स बहुत बड़े हैं और इसकी जो सामने जो इसका टैंक कह सकते हैं वो काफी बड़े साइज का है और इसका इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, इसका इसका साइज काफी बहुत बड़ा साइज है इसका। जो पहले मैंने आपको दिखाया वो बहुत छोटा है, अब जो दिखा रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। क्लियरली आप ये वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो बैज है वो पाकिस्तान के झंडे का है और इसके अलावा स्टीम इंजन का जो नंबर है वो यहाँ पे सामने पैच है 5734। सामने एक बैज के ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये लिखा है जी कैनेडियन लोकोमोटिव कंपनी को लिमिटेड, ओके कनाडा, मेड इन कनाडा आई थिंक सो ये कह सकते हैं हम इसको। और मुझे जो चीज अमेज कर रही है वो इसके टायर का साइज है, इतने बड़े टायर्स हैं इसके अंदर। ये टायर बहुत बड़ा है, ये भी टायर बहुत बड़ा है जी, आप क्लियरली ये देख सकते हैं, इतना बड़ा टायर है इसका जो कि आज के दौर में हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा तो PIA के किसी बोइंग का भी टायर नहीं हो सकता, बल्कि इतना बड़ा तो ट्रक का टायर नहीं होता, किसी बहुत बड़े साइज के ट्रक का टायर भी इतना बड़ा नहीं होता। इस इंजन का हुजम बहुत बड़ा है। CWD 5734 जी, तो ये अंदर से आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। काफी डिफिकल्ट किस्म का मुझे तो इसका मैकेनिज्म लग रहा है, जो कि मुझे इतने आसानी से समझ ही ना आए अगर मैं ये सीखना चाहूँ तो, क्योंकि कहते हैं पुरानी चीजें बहुत मुश्किल हुआ करती थी, अब जो दौर है वो तो सारा कंप्यूटराइज्ड है और बड़ा आसान हो गया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे हम जदीद दौर में जाते जा रहे हैं तो हर चीज़ का हमारे लिए काफ़ी आसान होती जा रही है। सामने एक मुझे एक बैज नज़र आया, आपको करीब से दिखाता हूँ, जो कि बैज उसके ऊपर लगा हुआ था ऊपर वाली साइड पे जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये है जी कैनेडियन लोकोमोटिव कोऑपरेटिव लिमिटेड और किंगस्टन ONT, आई डोंट नो इससे क्या मतलब है, 1945 में इसकी ये जो इंजन है वो बनाया गया था। इस इंजन की जो लेंथ है वो मैं आपको बताता चलूं, वहां से स्टार्ट हो रहा है, सामने से वहां से स्टार्ट हो रहा है और ये इंजन यहां पे आके सामने यहां पे खत्म हो रहा है। उसके बाद एक पुराने ही तर्ज का एक बोगी है यहां पर, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है पुराने तर्ज में, और ओल्ड डिजाइन है लेकिन ब्यूटीफुल। जी तो नाजरीन सामने आप देख सकते हैं बिजली से चलने वाला इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन इसको कह सकते हैं, पुराने मॉडल का है, इस सदी का तो डेफिनेटली ये नहीं है और इसका मॉडल है जी BCU 30 7027 7027। बहुत ही प्यारी कंडीशन के अंदर, बहुत साफ सुथरी कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो चीजें रखी गई हैं माशाल्लाह, इनकी काफी अच्छी केयर की जाती है, सफाई की जाती है। एक पुराने मॉडल का यहाँ पर केबिन भी है, बोगी है, ये एक और बोगी है, केबिन है उससे भी ज्यादा पुराने मॉडल का।
नहीं, बल्कि ये ब्राउन वाला जो है ये ज़्यादा पुराने मॉडल का है, क्योंकि ये आप सामने देख सकते हैं ये लकड़ी से बनाया गया है, इसके अंदर लकड़ी यूज़ की गई है। और जो ये वाला मॉडल है ये है नए मॉडल, मतलब ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा नई जनरेशन का लग रहा है मुझे बनिस्बतन पुराने ब्राउन वाले की नस्बत, क्योंकि ये इसमें स्टील यूज़ किया गया, लोहा, आयरन। तो ये है जी गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन, और बहुत ही खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा अपनी कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा।